Hello, viewers, welcome to our channel. In this lesson, we are going to talk about Lottery by Munshi Premchand. It's a short story written by Munshi Premchand. So, let us start the video. Let us talk about the background. The story was published in 1933. The story brings home the point that man is greedy by nature and how swiftly his nature changes. वेन इट कम्स टू परस्यूइंग एंड रीचिंग हिज एवरे एस्परेशंस आउटलाइन ऑफ द स्टोरी विक्रम इज एन अनएम्प्लॉयड यंग मैन एक अनएम्प्लॉयड बेरोजगार एक आदमी होता है जिसका नाम विक्रम होता है ही इज अ मैट्रिक एक मैट्रिक पास बंदा होता है नोन फॉर इज एमलेस एंटिक्स फुलिश एंटिक्स हैंगूज लाइफ प्लान्स फॉर विच ही रिक्वायर्स मनी अब उसके पास हीज लाइफ प्लान होते हैं जिसके लिए उसके बहुत सारे पैसे needed थे ही wants टू to tour around द वर्ल्ड एंड टू बिल्ड a ह्यूज लाइब्रेरी इन द सिटी एक तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाना था उसको और एक बहुत बड़ी जो है लाइब्रेरी बनानी थी सिटी में टू ट्राई हिज लक ही wants टू buy a लॉटरी ऑफ 10 lakh rupees बट finds himself short ऑफ मनी अब उसका किस्मत आजमाने के लिए वो लॉटरी में जो है लॉटरी टिकट खरीदना चाहता है तो लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं हिस्कूल टाइम फ्रेंड ए टीचर कम्स हैंडी एक एक टीचर होता है जो उसका स्कूल टाइम फ्रेंड भी होता है वो उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है विक्रम सेल्स ऑफ हज ओल्ड बुक्स आन सम कैश उसके पास कुछ बुक्स वगैरह भी होते हैं उनको भी बेच डालता है ताकि वहाँ से कुछ पैसे आ जाए द मोमेंट विक्रम बाइज द टिकट ऑन हिज नेम जो ही वो टिकट खरीद लेता है द टीचर गेट्स सस्पिशियस दैट द प्राइज मनी विल नॉट बी शेयर्ड बिटवीन द टू अब ये वो ये सोच रहा है टीचर वो ये सोचता है कि भाई जो ही उसने अब लॉटरी अगर इसको मिल गई तो वो लॉटरी मिलने के बाद जो पैसा आएगा वो ये हम म, हमारे बीच में जो है शेयर नहीं करेगा सो ही फोर्स विक्रम टू साइन ए बॉन्ड और एग्रीमेंट एग्रीमेंट पर उसको बोलता है साइन करने के लिए ऑन द अदर हैंड विक्रमज़ फादर जिसका नाम जिसको बड़े ठाकुर साहब बोलते थे तो जो विक्रम का फादर होता है ही ऑल्सो बाइज ए लॉटरी टिकट वो भी लॉटरी टिकट ख़रीदता है फॉर हिमसेल्फ एक तो खुद के लिए यंगर सन प्रकाश प्रकाश के लिए और उसकी बीवी के लिए उसका मतलब ये हुआ कि वो चाहता था कि हर एक के लिए जो है फैमिली में टिकट खरीद ले सो so डज़ विक्रम्स अंकल छोटे ठाकुर साहब छोटे ठाकुर साहब भी आ, जो वो है वो भी ऐसा ही करता है वो भी Uh, जो है लॉटरी टिकट खरीद लेता है द मोर टिकट्स दे बाय द मोर विल बी द चांस ऑफ विनिंग तो उनका मानना यह था कि जितने ज़्यादा वो टिकट्स खरीदेंगे उतने चांसेस है ज़्यादा जीतने के बट विक्रम हाइड्स हिज टिकट डिटेल्स एक बात वो छुपा के रखता है विक्रम की जो टिकट डिटेल्स है वो छुपा के रखता है बिकॉज वो ये सोचता है कि अगर मैंने जीत लिया वहाँ से आई एम इन नो मूड ऑफ चैरिटी कि मैं बाद में किसी को ये पैसे वगैरह नहीं दूंगा विक्रम्स नॉट सो रिलीजियस फैमिली स्टार्ट वर्शिपिंग डिफरेंट गॉड्स इन ऑर्डर टू विन लॉटरी विक्रम की जो फैमिली होते हैं उतने रिलीजियस नहीं होते दे आर बेसिकली uh, अथीस्ट लेकिन जो ही वो लॉटरी के टिकट खरीदते हैं उसके बाद उनको जो है गॉड याद आ जाता है वो चाहते हैं कि उनको जो लॉटरी टिकट है वो उन्हीं को मिले सो दे स्टार्ट वर्शिपिंग डिफरेंट गॉड्स इन द सोसाइटी विक्रम्स फादर एंड अंकल वर्नून फॉर प्लेजेंट ब्रदरहुड उसे लॉटरी टिकट आने से पहले ये जो लोग थे विक्र, विक्रम का फादर और उसका अंकल वो बहुत अच्छे से अमन और सुकून से रहते थे बट वन डे दे फाइट विथ ईच अदर और द शेयर इन द लॉटरी प्राइस एक बार क्या होता है कि वो इसी बात को लेके लड़ाई करते हैं कि भाई अगर वहाँ से पैसा आ गया तो वो ज़्यादा किसको मिलेगा या कम किस या शेयर हम कैसे करेंगे विक्रम्स फादर इनालसिस दैट हिज़ ब्रादर हैज़ नो राइट टू क्लेम द लॉटरी प्राइज़ अब विक्रम का फादर ये कहता है अपने भाई को कि आपको लॉटरी का टिकट पे कोई आपको कोई क्लेम आप नहीं कर सकते हो इफ एनी वन फ्राम हिज फैमिली विंस द प्राइज अगर उसकी फैमिली में से किसी ने जीत लिया अंकल फील्स दैट हीज़ बीन रिसिव्ड एज ही हैज़ बॉट ऑनली वन टिकट उसने एक ही टिकट खुद के लिए लाई है सो so वो सोच रहा है कि मुझ मेरे साथ धोखा हुआ है इग्नोरिंग हिज फैमिली दस हिज चांसेस ऑफ फेनिंग द प्राइज इज आउट तो उसके चांसेज इसमें लॉटरी जीतने के चांसेस बिल्कुल कम है बिफोर दियर कम्स एन यंसिलेशन प्रकाश विक्रम्स ब्रदर एंटर्स दि हाउस लिपिंग विथ एन इंजर्ड हैड एंड ए फ्रैक्चर्ड हैंड सो विक्रम्स का ब्रदर जो है वहाँ से आता है घर के अंदर एंटर्स दाउस लिपिंग विथ एन इंजर्ड हैड अब उसके सर पे जो है ज़ख़म होते हैं एंड ए फ्रैक्चर्ड हैंड और हाथ भी टूटा हुआ होता है ही सेज दैट ही हैड गॉन टू जकार बाबा एक जकार बाबा के पास ही गया था हु ग्रांट्स द विशेस ऑफ पीपल बट बिफोर द बाबा टेस्ट द मेटल ऑफ द पीपल बाई थ्रोइंग स्टोन्स एट दैम एंड हुवर स्टैंड फॉर्म ज्यूरिंग द स्टोन पेल्टिंग कैन हैव हिज विशज ग्रांटिंग अब जिसने पत्थर बर्दाश्त किए बाबा उन डिवोटिस पे पत्थर फेंकता है अब जिसने वो पत्थर बर्दाश्त कर लिए उसी के चांसेस ज़्यादा है टिकट जीतने के या जो लॉटरी प्राइज़ है वो जीतने के ज़्यादा चांसेस है एज प्रकाश विद स्टेंस द स्टोनिंग हैंस दिस इंसिडेंट प्रज्यूमेबली कन्फर्म्स दैट प्रकाश इज गोइंग टू बी दोल विनर ऑफ द लॉटरी तो प्रकाश ने चूंकि बहुत सारी पत्थर बर्दाश्त किए थे तो उसके चांसेस ज्यादा बनते थे हाउ एवर मच कंट्रारी टू दियर एक्सपेक्टेशंस वैन द रिजल्ट कैम आउट जो ही रिजल्ट आते हैं तो वहां से पता चल जाता है दैट द विनर इज नॉट प्रकाश नो बडी फ्राम फैमिली बट इट्स ए पर्सन हु इज फ्रॉम अमेरिका नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स Premchand's story is in first-person narrative. It's told in first person from the perspective of a school teacher. This story has surprise ending. At the end of the story, it proves to be a mare's nest, or the result was contrary to the expectations of the people or the audience. No one from the family wins the lottery. In fact, no one from the city had won it. No one from the country had won it. It was won by a black American. Number third, this story presents frailties of human nature. The writer uses humor to depict the frailties of human nature. The behavior of every person changes immediately after the purchase of ticket. Everyone starts claiming their right on the prize money. It brings forth the materialistic outlook of human beings who can go to any extent, who can go to only, uh, only to get rich overnight. The prize money comes as a sort of temptation which lures all the family members and even the two brothers. They start quarreling over it they start counting their chickens before they have hatched vikram's father and uncle who were atheists become very religious minded and pious all of a sudden hence we can see through their actions earlier they were famous for their brotherhood and unity but now after the purchase of land lottery ticket they move to the court of law Against each other or sharing of prize money. This story also highlights the impact of money on human relations. The play is also a comical satire on how the blood relations change when everyone in the family turns greedy. It also highlights the impact of not having the money on human relations. Poverty forces them to. Try their luck in lottery, but ultimately they end up ruining their blood relations. This story is also a fine example of dramatic irony. Premchand's lottery is a fine example of dramatic irony. In dramatic irony, the audience knows what at least one of the characters in the narrative is unaware of. In lottery, the characters. Or unaware about the winner whose identity is revealed to us or the audience only towards the end of the story. He happens to be some black person from America. Now, this is the end of today's video. I will take your leave with the hope to meet you in the next video. Till then, take care and consider subscribing our channel.